वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमारे सामने है पल्सर, बजाज की बेसिकली पल्सर 125 सीसी का एक सेगमेंटेड बाइक है। और बेसिकली आज मैं बताने वाला हूँ इसकी प्रॉपर एक डिटेल वॉक अराउंड, क्या फीचर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं, क्या इंजन स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं और क्या आज के टाइम पे ये बाइक लेना एक वर्थ इट डील है या नहीं। स्टार्टिंग करता हूँ मैं इसके ऑल ओवर लुक से। तो बाइक काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे लुकिंग स्टैंडर्ड्स के साथ आती है। पल्सर अपने टाइम से जब से लॉन्च हुई है अराउंड इसको काफ़ी एक लंबा टाइम हो चुका है, स्पैन हो चुका है इंडिया में लॉन्च होते हुए हुए। और उस स्पैन पीरियड में अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो पल्सर एक ब्रांड है खुद में और वो बजाज को रिप्रेजेंट करता है काफ़ी बड़े लेवल पे। और वही चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर कि ये सबसे एक इम्प्रेसिव सेगमेंट की बाइक इनकी है। मैं बात करूँ 125 सीसी का जो ये सेगमेंट होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है क्योंकि 125 सीसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक है। मैं बात करूँ हाईवे राइडिंग के लिए, मैं बात करूँ सिटी ड्राइविंग के लिए, और एक अच्छा वैल्यू ऑफ पावर इंजन आपको देखने को मिल जाता है जो कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस देता है सिटी ड्राइविंग या बात करूं हाईवे राइडिंग के बारे में। ऑल ओवर काफी अच्छा एक पैकेज बन जाता है ये। और स्टार्टिंग अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो आपको आज इसके अंदर आज भी हेलोजन बल्ब ही देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज जरूर से मैं कहूँगा, बट फिर मैं वही कहता हूँ कि एक जो चीज़ होती है ना ब्रांड इमेज के हिसाब से वो बिकता ही है प्रोडक्ट, चाहे उसमें आप कुछ फीचर्स दो या ना दो। तो यहाँ पे आपको हेलोजन प्रॉपर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं, बजाज का लोगो मिल जाता है, वाइजर देखने को मिलता है बहुत प्यारा सा। नीचे अगर मैं मडगार्ड की बात करूं तो प्लास्टिक ज़रूर से आपको देखने को मिलेगा ABS मटेरियल में, बट यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश में टेक्सचराइज्ड स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ बात करूं तो आपको ब्रेकिंग सिस्टम जो मिलता है इसका, फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम, डिस्क ब्रेक मिलते हैं, C8 के टायर्स देखने को मिलते हैं, फ्रंट और रियर में आपको एलॉयज देखने को मिल जाते हैं। जिसका साइज़ अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको साइज़ देखने को इसको मिलेगा एग्जैक्टली यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मैं आपको आगे बताता हूँ चल के, बट अगर यहाँ पे हम बात करें तो अलॉय व्हील का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दे रखा है इन्होंने, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसके अंदर दे रखे हैं। यहाँ पे मेन बात करूँ जो बाइक का दिल है, हार्ट है, वो बेसिकली 125 सीसी का है और इसके अंदर आपको 11 NM का टॉर्क मिलता है। और अराउंड मैं बात करूं समवेयर आपको इस इंजन के अंदर आपको 12 BHP मिलती है और 11 NM का यहाँ पे टॉर्क मिलता है। टॉर्क और पावर वैल्यू काफ़ी अच्छी देखने को इसके अंदर आपको मिल जाती है। एक सिलेंडर इंजन है ये, यहाँ पे आपको एक सिलेंडर इंजन ही देखने को मिलेगा। हॉर्न की प्लेसमेंट आपको देखने को मिलती है, कंपनी की तरफ से लेग गार्ड्स देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ बात करूं तो आपको बेली में प्रॉपर स्कर्टिंग्स जो हैं वो लगा के दे रखी हैं जो लुक भी एनहांस करती हैं, साथ ही साथ आपको प्रोटेक्शन भी देती हैं। इंडिकेटर्स यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको प्रॉपर जो हैलोजन इंडिकेटर्स हैं वही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर मैं टैंक की ऑल ओवर बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आपको टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है, अराउंड 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे टैंक में आपको प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर टैंक गार्ड जो होता है वो भी दे रखा है कंपनी ने। पल्सर की प्रॉपर यहाँ पे बैजिंग आपको देखने को मिलती है। E20 वाली ये बाइक है बेसिकली और काफ़ी अच्छी टैंक कैपेसिटी के साथ मिल जाती है। सीटिंग कम्फर्ट बहुत अच्छा है पल्सर का और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि एक अच्छा सीटिंग कम्फर्ट हेल्प करता है कस्टमर को बेसिकली लेने के लिए, परचेज करने के लिए। बैक एंड में आपको एक प्रॉपर जो पीछे की तरफ बैकरेस्ट होता है वो देखने को मिल जाता है। हेलोजन में पीछे भी इंडिकेटर्स मिलते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो टेल लाइट है इसकी वो प्रॉपर आपको LED देखने को मिलती है और अभी मैं चला के भी आपको दिखाऊंगा। एग्जॉस्ट आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, फुटलेट्स देखने को मिल जाएंगी, प्रॉपर किक स्टार्ट भी देखने को आपको ये बाइक मिलती है और यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो ऐसा कुछ आपको इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, प्रॉपर ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसके अंदर। और रियलिटी में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, प्रॉपर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ट्रिप A ट्रिप B आपको जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे, रिफ्यूल जैसा ही इंडिकेशंस आपको देगी। चाबी की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी नॉर्मल सी चाबी रखी गई है क्योंकि बाइक, मैं फिर कह रहा हूं कि ये की स्टैंडर्ड बाइक है इनकी, मतलब बेसिक में अगर बात करूं स्टार्टिंग बाइक में जो काउंट होती है तो वो ये पल्सर इनकी ये 125 सीसी की यहाँ पे बाइक है। यहाँ पे हाई बीम आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको मोड्स देखने को मिलते हैं, डिफरेंट मोड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो बेसिकली यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को में रिफ्लेक्ट डाउन होते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको दबा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स वेटिंग सब कुछ देखने को मिलेगा, इंडिकेटर्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे हॉर्न में देखने को मिल जाता है, डिसेंट इनफ हॉर्न्स देखने को आपको मिलते हैं, यहाँ पे किल स्विच देखने को मिल जाएगा, जिसके साइड के मिरर्स हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के दे रखे हैं यहाँ पे इन्होंने। तो ऑल अराउंड मैं बात करूँ काफ़ी अच्छा पैकेज आपको देखने को मिलता है। मैं एक बार इसकी आपको रिवर्स लैम्प भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ ऐसा चलता है बेसिकली, अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये मैंने आपको दिखाया, ये प्रॉपर एक डिजिटल लुक देता है बाइक के अंदर। और रियलिटी में अगर मैं बात करूं तो ऑल अराउंड बाइक
बहुत ही अच्छी डील निकल के आती है। और आज के टाइम पे अगर किसी को एक डेली राइडिंग बाइक लेनी हो जो कि आपको माइलेज दे 50 51 52 की माइलेज दे दे निकाल के, और गियर की यहाँ पे बात करूँ तो आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स इसके अंदर देखने को मिलेगा। इंजन प्रॉपर इसका ब्लैकआउट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे इंजन में आपको प्रॉपर ब्लैकआउट जो फिनिशिंग है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो चेन सेट है वो प्रॉपर कवर आपको कवर्ड देखने को मिलेगा, तो वो चीज़ें हैं। और बाकी ऑल अराउंड में पैकेज की बात करूँ तो काफ़ी अमेजिंग है। बात करते हैं इसके प्राइसिंग की कि ऑन रोड दिल्ली में आपको कितने की पड़ जाती है। तो यहाँ पे आपको मैंने इसका एक प्रॉपर डिटेल वॉक अराउंड दिया। फाइनल प्राइसिंग की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको 87,000 रुपीज़ की ये एक शोरूम पड़ती है, और उसको ऑन रोड समवेयर लाने में ये 1,00,000 रुपये इसकी कॉस्टिंग हो जाती है प्रॉपर। और 1,00,000 रुपये के अंदर मैं बात करूँ तो आपको आज की डेट पे स्प्लेंडर अगर मैं बात करूँ तो हीरो की, उसका प्राइसिंग इतना ज़्यादा कर दिया है कंपनी ने। और उससे कंपेयर करूँ तो 125 cc की आपको यहाँ पे बाइक देखने को मिलती है, पल्सर जैसा ब्रांड देखने को मिलता है, ब्रांड इमेज देखने को मिलती है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ 1,00,000 रुपये का सम ऑफ अमाउंट देके आप एक स्टाइलिश प्रैक्टिकल यूजफुल बाइक घर पे लेके जाते हैं तो वो एक अमेजिंग डील होगी। और बाकी कोई भी अगर बाइक खरीदने में आपको दिक्कत हो रही है या फिर आपको आपकी मनपसंद बाइक और कलर नहीं मिल रहा तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं शोरूम से, आपको वो असिस्ट करेंगे। और प्राइसिंग से भी रिलेटेड कोई डाउट है या फिर मैं बात करूँ कोई भी आपको बाइक परचेज करनी है और आपको बाइक नहीं मिल रही ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी, तो आप शोरूम के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इस नोट पे इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। टिल देन इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।